यू ऑल आर सेफ एंड साउंड, टेकिंग ऑल द कोविड प्रिकॉशंस, और आप और आपकी फैमिली एकदम सेफ होंगे, रेड अलर्ट जोन में नहीं होंगे, बारिश का मजा ले रहे होंगे। आई होप आपके एरिया में बारिश हो रही होगी, बिकॉज ज़्यादा बारिश सीजन है। प्लस आई ऑल्सो होप कि आप जो है रेगुलरली अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रेगुलरली फोकस के साथ सारे चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, अन अकेडमी के वीडियोज देख रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम सीजन है, हाफ ईयरली आने वाले हैं और हमें अपने सारे एग्जाम्स एस करने हैं, एकदम टॉप मार्क्स लाने हैं, क्लास में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है। तो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? तो आपको भी इसका आंसर पता है, ऑफकोर्स अन अकेडमी के थ्रू आएंगे, बिकॉज विद अन अकेडमी यू कैन एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स, बिकॉज अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। जी हाँ, एट अन अकेडमी वी हैव द टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया, जो आपको पढ़ाते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, प्लस आपके एक फ्रेंड की तरह आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। And not only are these educators the top educators across India, but they are also highly qualified in their respective fields. तो हाँ, आपको अन अकेडमी पे पढ़ने का मौका मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। सो यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट पीपल अक्रॉस द कंट्री, एंड दैट्स वाई अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अन अकेडमी जितना बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडिया में अभी कोई भी नहीं है। So that's the Unacademy is the largest learning platform, and अगर आपको Unacademy के इस platform पे जो learning platform है सारे benefits लेने हैं, जैसे कि एक benefit तो मैंने बता दिया कि आप अगर Unacademy के through पढ़ते हैं तो you know you get to learn from the top educator, and आपको best पढ़ने का मौका मिलता है, एकदम fun way में पढ़ने का मौका मिलता है। बट अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस और अच्छे से इम्प्रूव करनी है, अगर आपके मार्क्स अब तक बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे या यू नो एवरेज मार्क्स थे, तो आज के टाइम पे एवरेज नहीं रहना है, हमें बेस्ट बनना है, हमें बेस्ट मार्क्स लाने, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और वो कैसे आएंगे? अगर आप अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अगर आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लाइव टेस्ट होंगे, आपके डेली टेस्ट होंगे, डेली MCQs होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, आपको एक वीकली रिपोर्ट भी मिलेगी जहाँ पे आपको ये पता रहेगा, हर वीक आपको अन अकेडमी एक रिपोर्ट बना के देगा जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि थ्रू आउट द वीक आपने कैसा परफॉर्म किया, वेयर यू हैव इम्प्रूवड एंड ऑन वॉट ऑल एरियाज यू कैन इम्प्रूव मोर। तो अन अकेडमी ऐसी एक डिटेल रिपोर्ट आपको बना के हर वीक देगा, प्लस अन अकेडमी विल प्रोवाइड यू विद एंटायर स्टडी मटीरियल। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल करते हो और कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो या आप अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वहाँ पे आपको स्टडी मटीरियल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में भी जो है स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको जो है वो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अभी सब्सक्रिप्शन कहाँ से मिलेगा? सो यू हैव टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्नर्स ऐप। उस ऐप को डाउनलोड करने पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत ही इजी ऐप है, आपको एकदम अच्छे से खुद ही से ही समझ आ जाएगा। तो आप कोई भी कोर्स जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर या सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, या आगे के लिए कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना चाहते हैं, जैसे NTSC या फिर आगे JEE मेंस के लिए आपको अभी से पढ़ना हो, या UGC नेट या बैंक के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना हो, कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना हो, तो अन अकेडमी पे उनके भी सब्सक्रिप्शन है। अन अकेडमी वो कोर्स भी ऑफर करता है। सो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, वॉट एवर योर फ्यूचर प्लान्स आर, उसके अकॉर्डिंग अन अकेडमी पे अलग अलग कोर्स होते हैं, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी बहुत बात करने वाले हैं, बट बैक टू द बेनिफिट्स। तो अन अकेडमी पे आपको पढ़ने का मौका मिलता है एकदम टॉप एजुकेटर से, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, आप अपने घर में बैठे बैठे आराम से किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं, कहीं आपको ट्यूशन
जैसे कहीं पे भी किसी और घर या इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आराम से अपने रूम में फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस सारे लेक्चर्स अन अकेडमी के सारी लाइव क्लासेस स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस घर बैठे बैठे पढ़ना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि अनअकैडमी पे डेली वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो इतने सारे टेस्ट जब आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे दोगे तो आपके रिजल्ट्स पे इम्प्रूव होना ही है। प्लस रिजल्ट्स की भी बात अगर मैं एक बार ना करूँ तो आपको डेली बेसिस पे पता रहेगा कि आपने क्या समझा, क्या आप अच्छे से कौन से टॉपिक समझ रहे हो, कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ नहीं है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। सो टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, लाइव टेस्ट से ये सारी चीजें आपको पता रहेगी। इसके अलावा अनअकैडमी आपको सारे स्टडी मटेरियल देगा, प्लस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आपके जितने भी अकेडमिक डाउट्स हैं आप रेगुलर बेसिस पे पूछ सकते हैं, आप लाइव क्लासेस में लाइव जो एजुकेटर है उनसे पूछ सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन इवन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर। सॉरी, जैसे कि ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो यहाँ पे यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद मी, वेरी अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट इंटरैक्ट। बट अगर आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस लेते हैं जो कि एकदम फ्री होती है और वो अनअकैडमी के ऐप पे होती है, तो वहाँ पे आप मुझसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। या फिर आप अनअकैडमी की कोई दूसरी क्लासेस, लाइव क्लासेस कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप एजुकेटर से है जो इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो एकदम क्लास वाली फीलिंग आती है, बिकॉज आप टीचर से पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, टीचर जो क्वेश्चन पूछती है आप वो भी आंसर कर सकते हैं। प्लस ऑन अ रेगुलर बेसिस क्विज वगैरह भी होते हैं, मेंटी क्विज होते हैं, तो आप वो उसमें भी पार्ट ले सकते हैं, विच इज वेरी फन वे। आपका जितनी परफॉर्मेंस होती है, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस की कितना आपको चैप्टर समझ आया। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है उस चैप्टर की, देन मेंटी क्विज और ये जितने भी टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, दीज आर द बेस्ट वे टू असेस योर परफॉर्मेंस। तो आप ये भी ले सकते हैं। प्लस अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मिलता है एक मेंटोर। ये मेंटोर क्या करेगा, एक फ्रेंड के जैसे आपको पूरी गाइडेंस देगा आपके सब्जेक्ट पर, कि कैसे आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, कैसे चैप्टर कवर करना चाहिए, उस सब्जेक्ट में क्या क्या आगे स्कोप है, आपके जो भी डाउट्स हो आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं, आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, एंड योर मेंटोर्स विल गाइड यू। तो आज के टाइम पे इतनी मेहनत कौन करता है, तो भाई अनअकैडमी करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर अ रीजन। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि अनअकैडमी मेहनत करता है आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए, एंड विद इन अ वीक आई गिव यू दिस गारंटी, विद इन अ वीक अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो विद इन अ वीक आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको इम्प्रूव होना दिख जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, अभी के अभी करना है। You have to enroll yourself to any of the courses. आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर आपको जो कोर्स पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हो। आप एक टाइम पे बहुत सारे कोर्स भी पढ़ सकते हो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। एंड एक और सबसे ज्यादा फायदे की बात, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, दैट इज PJAIN10, इफ यू यूज माई कोड दैट इज PJAIN10, देन यू स्ट्रेट अवे गेट फ्लैट 10% ऑफ। यानी कि आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके जो प्राइस है, अगर वहां पे आप मेरा कोड यूज करते हो तो वो जो सब्सक्रिप्शन के प्राइस है या जो पैकेज आप ले रहे हो उस प्राइस पे 10% ऑफ हो जाएगा, और रेट्स और कम हो जाएंगी। तो बहुत नॉमिनल रेट्स होती है अनअकैडमी के पैकेजेस की, बहुत रीजनेबल रेट्स होती है, तो आप आराम से ले सकते हैं। और उनको भी और रीजनेबल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, बिकॉज मेरे कोड से आपको स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिलेगा। सो आई होप आप अभी के अभी सब्सक्रिप्शन लेंगे और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, एकदम चूकनी नहीं चाहिए ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, टॉप कंटेंट मिल रहा है, क्वालिफाइड टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, प्लस उसके अलावा इतने सारे बेनिफिट्स और आपको मिल रहे हैं। So do not miss this opportunity. Use my code on the Unacademy app while enrolling yourself to any of the course of your choice. Because if you use my code, then you'll straight away get 10% off. तो अब ये तो हुई बात अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स की, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।
अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट एन अकेडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7. आई डिड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. नाउ मूविंग अहेड टू आवर चैप्टर, फाइनली कमिंग टुवर्ड्स आवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग बेसिकली होता है एड्स, जो आजकल हम इतने सारे एड्स हर जगह एड देखते हैं, हम वेबसाइट्स पे भी एड देखते हैं, हम टीवी पे भी, हर जगह कोई भी चैनल चला लो, एड एड एंड एड, हर जगह एड 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 हम देखते हैं. न्यूज़पेपर्स तो आधा न्यूज़पेपर एड से ही भरा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता ही होगा एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं. बट बिफोर वी मूव अहेड विद द चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट्स, कैसे बनते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होता है डेमोक्रेसी पे, ये सब हम पढ़ेंगे. बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और अब तक तो आपको पता ही होगा कि मैम क्या करने वाली है. सो फॉर ऑल माई प्रीवियस व्यूअर्स, दे ऑलरेडी नो वॉट आई विल बी डूइंग नाउ, बट फॉर माई न्यू व्यूअर्स, सो मैं क्या करती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले फर्स्ट आई टेल यू गाइज व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट मीन. क्योंकि क्या होता है ना, मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, आप अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, एंड आप एग्जाम दे के भी आ जाओगे, अच्छे मार्क्स भी लाओगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. बिकॉज आप अन अकेडमी के थ्रू पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स आपके रिजल्ट इम्प्रूव होंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. बट क्या हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी अगर सिर्फ हम चैप्टर पढ़ के समझ के एग्जाम दे आएंगे? तो नहीं, हमारी नॉलेज जो है तब भी इनकम्प्लीट रहेगी. और वो क्यों इनकम्प्लीट रहेगी? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जिस सब्जेक्ट का हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है. सो व्हाट डज सिविक्स मीन्स, क्या होता है सिविक्स का मीनिंग, हमें नहीं पता. सो पहले मैं बताऊंगी सिविक्स का क्या मीनिंग है, ताकि हमारी नॉलेज जो है एकदम कंप्लीट रहे, एकदम एप्ट रहे, एकदम अप टू द मार्क रहे, ताकि यू नो नॉलेज इज द बिगेस्ट वेपन एनी वन कैन पोजेस. नॉलेज आपकी जो है वो आपको ही बेनिफिशियल रहेगी, आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे तो नॉलेज हमारी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए. और ऐसे ही नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए पहले हम समझेंगे हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है. व्हाट डज दिस वर्ड सिविक्स मीन? तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे अब तक पढ़ ही लिया होगा, सो स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस इज नोन एज सिविक्स. यानी कि एज सिटीजंस हमारे क्या राइट्स होते हैं, हमारे क्या अधिकार होते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज होती है, यानी कि हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, वो अगर हम किसी चैप्टर में पढ़ते हैं तो दैट इज सिविक्स. सो सिविक्स इन very simple terms, if I have to explain, then civics is basically the study of rights and duties of citizens. So I hope civics आपको एकदम अच्छे से clear होगा. Plus next time जब आप अपनी civics की book खोलोगे तो एकदम आपको click होना चाहिए कि civics का क्या मतलब है, या फिर जो chapter होने वाले हैं वो more or less किस चीज़ से related होने वाले हैं. So they'll be more or less related to our rights or our duties. अब राइट्स के बारे में तो आप सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहीं ना कहीं यही सारे जो राइट्स होते हैं उसी से मोर और लेस रिलेटेड चीज़ें होती है. या फिर कैसे एज सिटीजन्स हमारी क्या ड्यूटी होती है, हमें क्या पता होना चाहिए एज सिटीजन्स, व्हाट ऑल शुड वी बी अवेयर ऑफ, कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है. एज सिटीजन्स वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ये हमारी ड्यूटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. तो ये सारी चीज़ें जो है हम सिविक्स में पढ़ते हैं, एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बुक खोलोगे सिविक्स की या एग्जाम देने जाओगे सिविक्स का, तो एकदम आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या मीनिंग है इस वर्ड सिविक्स का. या इवन कभी आप किस सुनोगे वर्ड तो एकदम आपको क्लिक होना चाहिए दैट सिविक्स बेसिकली मीन स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस. नाउ मूविंग अहेड एंड फाइनली कमिंग टुवर्ड्स अ चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग. तो हम पहले समझेंगे एडवर्टाइजिंग क्या होता है. तो आपने बहुत जगह एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, एड्स देखे होंगे. आजकल न्यूज़पेपर जो है आधा न्यूज़पेपर तो ऐड से ही भरा रहता है. आप कोई वेबसाइट अगर खोलोगे तो वेबसाइट में भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. या फिर अगर आप कोई टीवी पे चैनल लगाओगे, कोई रियलिटी शो देख रहे हो तो रियलिटी शो के बीच में भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी के बीच में भी पाँच पाँच दस दस मिनट के एडवर्टीजमेंट्स ही आते हैं आजकल.
इवन न्यूज चैनल पे भी इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मैं रिलेटेबल एग्जाम्पल दूं तो जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और ओवर खत्म हो जाता है या कोई विकेट लेता है बॉलर, तो कितने सारे एड्स आते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। या इवन अगर आप ओलंपिक्स देख रहे थे अभी, तो ओलंपिक मैचेस के खत्म होने पे भी कितने सारे एड्स आते थे, हम सबको पता है। और यू नो बार बार सेम ही एड्स आते थे, लाइक पहले वाले एड में अगर सेम चीजों सेम प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट है तो नेक्स्ट एड में भी वही सारे चीज होंगे, वही सारे सेलिब्रिटीज हमें देंगे, वही सारे डायलॉग्स हमें बार बार सुनने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। बट एडवर्टीजमेंट्स क्या करते हैं, दे ड्रॉ आर अटेंशन, हमारी जो अटेंशन होती है उसको एडवर्टीजमेंट्स खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, ताकि हम उनसे कन्विंस हो जाएं, ताकि जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट है उस प्रोडक्ट्स के जितने पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं या जितने पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं एडवर्टीजमेंट्स, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताती हैं कि इस प्रोडक्ट से ये हो जाएगा, आप ये क्रीम लगाइए आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एकदम लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिल जाएगा। सो जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं कि कैसे ये फेयरनेस क्रीम ले सकते हो आप एग्जांपल, या हेयर प्रोडक्ट्स ले सकते हो, या इवन कोई खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं तो उनके भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हो कि कैसे वो लोग यू नो अपनी प्रोडक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें बताते हैं और हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हमें एकदम यू नो अपनी हमारी जो अटेंशन होती है उसको एकदम खींच लेते हैं। दे ट्राई टू कन्विंस अस कि भाई ये प्रोडक्ट तो ले ही लो, ये प्रोडक्ट अगर आप खरीद लोगे तो एकदम लाइफ जिंगल आला टाइप्स है ना। तो ये कौन करते हैं, ये एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आर अटेंशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय डिस्क्राइबिंग देयर पॉजिटिव क्वालिटीज, बाय डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट वेरी पॉजिटिवली इन ऑर्डर टू कन्विंस अस सो दैट वी बाय देम। वो इतने अच्छे से हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इतनी अच्छी इमेजेस होती है, इतने अच्छे उनके टैगलाइंस होते हैं कि एक एक्सटेंड तक हम कन्विंस भी हो जाते हैं कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट खरीद के देख लेते हैं, क्या पता हमारी लाइफ भी सच में जिंगालाला बन जाए, सच में चेंज हो जाए। सो वी काइंड ऑफ बाय देम। तो हमें कैसे पता चलता है, थ्रू दीज एडवर्टीजमेंट्स कि कौन से प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स बेसिकली ट्राई टू ड्रॉ आवर अटेंशन। कोई भी ऐसी ब्रांड होती है जिसका मतलब प्रोडक्ट्स जिसके होते हैं वो ब्रांड्स होती हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स अपने एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर नाम दे देना या कोई पर्टिकुलर साइन या सिंबल दे देना, ताकि वो प्रोडक्ट दूसरे जो वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं उससे अलग हो जाए। सो लाइक नेमिंग अ प्रोडक्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी फेवरेट चिप्स जो होता है या कोई फेवरेट चॉकलेट है, जस्ट इमेजिन दैट, है ना, इमेजिन करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, क्या टेस्ट होता है उस चॉकलेट का, क्या चिप्स होते हैं वो क्रिस्प एकदम। बट थोड़ा सा अपने जो ये इतनी अच्छी इमेजनरी है और जो वहाँ बह रहे हो उससे थोड़ा अलग आओ, जस्ट इमेजिन योर फेवरेट चिप्स एंड या फिर फेवरेट चॉकलेट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने इसी मंथ में दो चॉकलेट्स खाए, अब ऐसा इमेजिन करो उन चॉकलेट्स के नाम ही नहीं थे, इट हैड नो नेम, इट हैड नो कंपनी नेम, नो सिंबल, नो नेम्स, नथिंग एट ऑल, यानी कि कोई ब्रांडिंग उस पर नहीं थी। तो क्या आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी वाली खाई थी, या क्या आप वापस वही वाली चॉकलेट खरीदोगे? इट मे सो हैपन दैट यू एंड अप बाइंग सम डिफरेंट चॉकलेट बिकॉज यू डोंट नो द नेम ऑफ द चॉकलेट, यू डोंट नो द नेम ऑफ द चिप्स। आपको नाम तो पता नहीं है क्योंकि कोई नेम नहीं है उसका, कोई कंपनी का सिंबल नहीं है पैकेट पे, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? तो ताकि आप प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सको कि अच्छा ये कैडबरी थी, ये फाइव स्टार थी, ये मंच थी, ये पर्क थी, एंड अकॉर्डिंगली आपके जो टेस्ट हैं वो यू नो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको मंच पसंद आई तो आप नेक्स्ट टाइम मंच ही लो। इस वे में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग इज बेसिकली नेमिंग अ प्रोडक्ट, गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट या गिविंग अ सिंबल और अ साइन टू अ प्रोडक्ट, सो दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर
प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बिकॉज आजकल कितने टाइप के चॉकलेट्स आने लग गए हैं, कितने टाइप के चिप्स आने लग गए हैं. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है चॉकलेट और चिप्स का, बट कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट आपको उनमें डिफ्रेंशिएट ताकि आप इजीली कर सको. तो कंपनीज क्या करती है, दे गिव अ नेम टू द प्रोडक्ट. इस नेम प्रोडक्ट को नेम देने को हम कहते हैं ब्रांडिंग. सो आई होप ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्रांडिंग क्यों इतनी जरूरी है आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा. जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रांड वैल्यू, हर प्रोडक्ट की हर कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू होती है. अभी क्या होती है, क्यों होती है, तो वो हम समझेंगे. तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं प्रोडक्ट के, यानी कि वो लोग जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सो दीज मैन्युफैक्चरर्स हु मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स have to give consumers a reason to prefer a particular brand. Manufacturers तो मैंने आपको बता दिया, जो products बनाते हैं कोई भी उनको manufacturers कहते हैं, but जो वो products खरीदते हैं, जो consume करते हैं उन products को, उनको कहते हैं consumers. तो basically आप और मैं consumers हैं अलग अलग brands के. अगर आप अपने room में left to right भी देखोगे ना, तो आपको इतने सारे products आपके room में दिख जाएंगे. तो हम कितने सारे brands के, कितने सारे products consumers हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो ये जो manufacturers हैं, यानी कि ये जितने भी products हैं आपके left to right में room में, ये जो products हैं, ये जितने भी लोग इन products को बनाते हैं, दे शुड हैव अ रीजन फॉर द कंज्यूमर्स कस्टमर्स, ताकि हम लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदें. तो ये मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, हमें एक ऐसा रीजन देने के लिए ताकि हम उनकी प्रोडक्ट को खरीदें, दे अटैच स्पेशल वैल्यू, यानी कि कुछ वैल्यू उस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देते हैं, जिसके कारण हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एकदम यू नो एक्साइटेड हो जाए, प्लस वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आज जितने भी शैम्पू वाले एड्स आते हैं, तो शैम्पू वाले लोग क्या करते हैं, ग्रो योर हेयर 5 times थिकर शाइनियर एंड गेट योर कॉन्फिडेंस एंड यू नो सक्सीड इन लाइफ. अब बाल लंबे करने से कौन सक्सीड कर पाया है लाइफ में, बट यू नो व्हेन वी वॉच दैट एडवर्टीजमेंट्स वी फील ओके, यू नो ये शैम्पू तो लेना ही है, एकदम थिक. जो एडवर्टीजमेंट में जो लेडी दिख रही है, कितने उसके शाइनी बाल हैं, कितने उसके ब्लैक कलर के बाल हैं, कितने थिक बाल हैं उसके. तो मे बी अगर मैं भी ये शैम्पू यूज़ कर लूँगी तो मेरे बाल भी बहुत थिक एंड लॉन्ग हो जाएंगे. अभी तो शॉर्ट है, बट इफ़ आई यूज़ दैट शैम्पू देन मे बी आई ऑल्सो बी एबल टू ग्रो माई हेयर वेरी थिक वेरी शाइनी वेरी ब्लैक. तो ये वैल्यूज़ हैं, ग्रो योर हेयर 3 times थिकर गेट द लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड सक्सीड योर लाइफ सक्सीड इन योर लाइफ, ये कुछ वैल्यूज उस ब्रांड ने उस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर दी. अब इस वैल्यूज से क्या हुआ, मैं तो अट्रैक्ट हो गई है ना, मुझे तो वो प्रोडक्ट अच्छी, कितने अच्छे से हमें कितनी अच्छी वैल्यूज बताई हैं उस प्रोडक्ट से. तो अगर मैं भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम करूंगी तो यू नो मेरे साथ भी आई एल ऑल्सो बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ, आई एल ऑल्सो बी एबल टू गेट दैट कॉन्फिडेंस जो अभी लाइफ में नहीं है. सो ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे अटैच सम स्पेशल वैल्यूज टू द प्रोडक्ट. अब इससे क्या होता है, वी एज कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट. तो ये जो ब्रांड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये कंपनीज होती हैं, दे अटैच सम वैल्यूज टू दैट ब्रांड, जिसे हम कहते हैं ब्रांड वैल्यू. एंड ये इतने अच्छे से हमें दिखाते हैं, इतने अच्छे विजुअल्स होते हैं, इतनी अच्छी इमेजेस होती है स्क्रीन पे कि यू नो हम कन्विंस हो जाते हैं कि हमें तो ये प्रोडक्ट खरीदना है. सो दैट्स हाउ मच इम्पॉर्टेंट ब्रांड वैल्यू इज. आपको स्क्रीन पे किटकैट का एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, किटकैट की टैगलाइन होती है हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट. अगर आपका बहुत ज़्यादा टायरिंग डे है और आपको एकदम से यू नो फ्रेश होना है या थोड़ी सी भी एनर्जी चाहिए, तो उनका कहने का ये मतलब है आपका जब भी आप ब्रेक लेते हो, जब आप पढ़ाई करते करते हुए भी कोई ब्रेक लेते हो, या फिर यू नो किसी भी टाइप का अगर आप ब्रेक लेते हो, नो मैटर हाउ स्मॉल हाउ बिग, देन यू शुड हैव अ किटकैट, बिकॉज किटकैट खाने से यू नो एक लाइफ में फन आ जाता है, एक वापस एनर्जी आ जाती है जो इतने टायरिंग डे के बाद जा चुकी थी. सो दैट्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ किटकैट.
किटकैट जो मैन्युफैक्चरर्स है, किटकैट की जो मैन्युफैक्चर करते हैं इसको, उनने ये ब्रांड वैल्यू किटकैट के साथ अटैच कर दी. एंड इन फैक्ट इट एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर देम, बिकॉज काफी इस टैगलाइन के साथ ही किटकैट की जो है बहुत लोगों ने किटकैट खरीदना स्टार्ट कर दिया. क्यों? बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टू दिस सच एन अमेजिंग ब्रांड वैल्यू ऑफ किटकैट. ये जो इनकी टैगलाइन थी, इससे इतने सारे लोग अट्रैक्ट हो गए किटकैट की तरफ कि जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग थे या स्टूडेंट्स थे, जब भी वो ब्रेक लेते थे, दे स्टार्टेड हैविंग किटकैट्स. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं किटकैट का जो एडवर्टाइजमेंट था वो बहुत अपीलिंग था, एंड इट वॉज एबल टू कन्विंस अस. सो दैट्स हाउ ब्रांड वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट एंड दे कन्विंस अस. ब्रांड वैल्यू के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसी को आगे बात करते हुए, समटाइम्स ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ये कुछ पर्सनल इमोशंस भी प्रोडक्ट के साथ डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, बहुत सारे एक्नेस हैं, यूज दिस क्रीम, गेट योर कॉन्फिडेंस. जो लोग आपको चिढ़ाते हैं उससे बिल्कुल भी चिढ़ोगे नहीं, यू विल गेट अ फ्लॉलेस स्किन. एक पर्सनल इमोशन डाल दिया, कि आपको अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, या यू विल हैव अ फ्लॉलेस स्किन, आप बहुत प्रिटी दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे. तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल इमोशन आ गया, राइट? कि आप, दे आर मेकिंग अस फील कि आप किसी चीज से सफर कर रहे हो, और अगर ये क्रीम आप यूज करोगे तो जो आपकी सफरिंग है वो खत्म हो जाएगी, एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ, यू विल गेट अ फ्लॉलेस स्किन, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू. तो एक पर्सनल इमोशन यहाँ पे डाल दिया. जैसे ही कोई प्रोडक्ट में कोई पर्सनल इमोशन डाल दिया जाता है, देन वी स्टार्ट बिल्डिंग हमारी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाती है हमारे बारे में, या हमारे फैमिलीज के बारे में, या हमारे फ्रेंड्स के बारे में. अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, तो जो बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द बेबी प्रोडक्ट्स में ये होता है टैगलाइन, या एक पर्सनल इमोशन होता है दैट मदर शुड गिव द बेस्ट केयर टू देयर बेबीज. अब कोई भी नई मदर बनी है जिनके स्मॉल बेबीज हैं, ऑब्वियसली दे वुड वांट टू गिव अ वेरी गुड केयर टू देयर चिल्ड्रन, एंड दे एंड अप बाइंग दो सेट ऑफ डायपर्स या निप्पल्स या फिर मिल्क बॉटल्स जो होती हैं, जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ ये टैगलाइन होती है कि इफ यू यूज दिस प्रोडक्ट योर बेबी विल बी वेरी कंफर्टेबल, दे विल नॉट क्राई, एंड यू विल बी एबल टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस टू योर बेबी. यूज दिस डायपर, इट हैज अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, योर बेबी वोंट बी इरिटेटेड. तो एज अ मदर, एनी वुमन वुड वॉन्ट टू गिव अ बेस्ट एक्सपीरियंस टू देयर चिल्ड्रन. तो जब ये ऐसे पर्सनल इमोशन डाल दिए जाते हैं, तो समवेयर वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर थॉट्स कि नहीं, मुझे तो अपने बेबी को ना बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस देना है. सो वी स्टार्ट फॉर्मिंग सर्टेन थॉट प्रोसेसेस अबाउट आवर सेल्व्स, अबाउट आवर फैमिलीज, या अबाउट आवर फ्रेंड्स, एंड दैट हैपेंस बिकॉज प्रोडक्ट्स के साथ एक इमोशनल एंगल, एक पर्सनल इमोशन डाल दिया जाता है. मेनी टाइम्स जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, दे ट्राई टू मेक देयर एडवर्टीजमेंट्स विद सम फेमस क्रिकेटर्स और सम फिल्म स्टार्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फॉर अस दे आर हीरोज, वी फॉलो देम, वी लाइक देम, वी वॉन्ट काइंड ऑफ लाइफ विच दे आर हैविंग, राइट? तो जितने भी क्रिकेटर्स या कोई फिल्म स्टार कोई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करता है, तो हमें लगता है अरे मिस्टर सचिन तेंदुलकर इज डूइंग दिस एडवर्टीजमेंट, तो बहुत ही अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा, मुझे तो ये चाहिए. और इफ शाहरुख खान इज डूइंग सम एडवर्टीजमेंट्स, देन वी वॉन्ट दैट एडवर्टीजमेंट. जो वो किसी भी साबुन का या किसी भी परफ्यूम का अगर ऐड करें, तो हमें भी वही वाला चाहिए. बिकॉज क्या होता है, when these cricketers or film stars try to sell these products to us, or when they do these types of advertisements, then we feel that these products are worth buying because our favorite people, our favorite celebrities are promoting it. Hamare favorite jo celebrities hai wo us product ko promote kar rahe hain, wo uska advertisement kar rahe hain, to wo product to bahut acha hoga, wo hamare celebrities kyunki uska
एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी एंड अप बाइंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज आर फेवरेट सेलिब्रिटीज आर प्रमोटिंग इट। तो ये भी ब्रांड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक होता है, एक बहुत अच्छा उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि किसी फेमस लोगों से जो वेरी पॉपुलर मोस्ट फेवर्ड अमंग्स पीपल है, ऐसे किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट करवा लूँ, सो दैट यू नो हमारी जो सेल्स हैं प्रोडक्ट की वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड इट एक्चुअली हैपन्स बिकॉज we end up buying those products because our favorite celebrities are promoting it. जैसे कि आप उस स्क्रीन पे Lux का एड भी देख सकता है, so Lux is a very popular soap in India and Katrina Kaif usually advertises it. In fact many actresses advertise it, promote it and फिर हमें ऐसा लगता है कि जितनी इनकी flawless skin है, जितनी अच्छी इनकी skin है, we should also buy this product and in fact Lux की जो है जो sales हैं, जितने भी Lux के soaps थे उसकी जो जो product ही था वो increase ही हुआ, इस कारण से हुआ, लोगों ने खरीदना ही इस कारण से start किया because very famous personalities, famous people were advertising that product. तो ये भी एक बहुत brands का, companies का, products का एक बेचने का बहुत successful तरीका है, that you know promote the product from famous celebrities, तो people will end up buying and it actually happens. तब इसके अलावा advertisement जो होते हैं हमें usually अमीर लोगों के, रिच लोगों की lifestyles बताते हैं, you know there's a big palace and there's royalty who's using a particular product and very rich people are using that product, but it rarely, advertisements rarely show us the life of poor people. In fact there's hardly any advertisement which shows or has any poor people in it, or you know it shows the life of poor people. आप कितने भी advertisements देख लो, ये soaps के advertisements या कोई और product के advertisement, कोई भी advertisement देख लो, they will actually show us the lifestyle, the life of rich people, but you'll hardly find a advertisement which actually shows the life of poor people. So that's something which advertisements do. They often show us the lifestyles of rich people, but they do not show us or rarely show us the lifestyles of poor people. So that is one thing about advertisements. अब बात यह आती है, हमने इतने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी ब्रांड वैल्यूज के बारे में पढ़ा, सोशल वैल्यू के बारे में पढ़ा अभी तक, बट ये एडवर्टीजमेंट्स बनते कैसे हैं? ये कितना इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि जो एडवर्टीजमेंट्स हम न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं या टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स हम ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं, बट ये एडवर्टीजमेंट्स बनते कैसे हैं? ये जो कंपनीज होती हैं ये इन एडवर्टीजमेंट्स को बनाती कैसे हैं? सो पहले ये क्या होता है, जितनी भी ये कंपनीज हैं, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, ये क्या करते हैं, पहले दे डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रोफाइल। कंज्यूमर प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि ये लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया है ये कौन कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली हम और आप तो यूज करेंगे नहीं, बेबीज ही यूज करेंगे, राइट? या अगर कोई मेडिसिन है या कोई ओल्ड एज पीपल के लिए या एल्डरली पीपल के लिए कोई प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिन है, तो उसका कंज्यूमर प्रोफाइल कौन होएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट को कौन कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली ओल्ड एज पीपल विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। तो जितनी भी ब्रांड्स होती हैं ये पहले डिसाइड करती है कि जो प्रोडक्ट उनने बनाया है या जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसको कौन कंज्यूम करेगा, उनका कौन कंज्यूमर होगा, सो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोफाइल। जब वो लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कंज्यूमर प्रोफाइल होगा, यानी कि कौन इस प्रोडक्ट का टिपिकल यूजर होगा, कौन इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, यानी कि जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, यानी कि अगर बेबी प्रोडक्ट्स है तो उनकी टारगेट ऑडियंसेस टॉडलर्स या बेबीज या उनकी मदर्स, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट एल्डरली लोगों के लिए या सिर्फ बॉयज के लिए, जैसे बॉयज के परफ्यूम्स हैं तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, बॉयज होगी। ऑफ कोर्स अगर आप बॉयज के लिए परफ्यूम बना रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस एक लिमिटेड एज की बॉयज होंगे, यानी 20 to 30 ईयर ओल्ड या 15 ईयर्स से 30 ईयर्स ओल्ड के जो लोग होंगे वो आपका ये परफ्यूम यूज करेंगे।
जस्ट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. ऑफकोर्स बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं, 30 के अबव एज वाले भी यूज कर सकते हैं, बट सपोज उनने ऐसे एक टारगेट ऑडियंस ले ली दैट दीज सेट ऑफ पीपल वुड बी कंज्यूमिंग आर प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस. और ये कंज्यूमर प्रोफाइल लेट और टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड होती है, सो दैट इज आइडेंटिफाइड थ्रू मार्केट सर्वेस. यानी कि जो रिसर्च प्रोफेशनल्स होते हैं वो सर्वेस कंडक्ट करते हैं, वो अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको किस टाइप का बेबी प्रोडक्ट चाहिए, या आपको आपके बेबीज को किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप चाहती हैं कि बेबीज के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स आने चाहिए, या किसी भी बेबी प्रोडक्ट में आप क्या देखती हैं कि जिससे आप डिसाइड करती हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए. तो अगर कंपनी कोई बेबी प्रोडक्ट बना रही है तो वो अलग अलग एरियाज में जाके उन बेबीज की जो मदर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनसे जाके क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट. सो ये जितने भी रिसर्च प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जो लोग भी रिसर्च करते हैं या अलग अलग एरियाज में जाके सर्विस कंडक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ के आते हैं, ताकि दे गेट टू नो कि कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं ब्रांड से, क्या उनके टारगेट ऑडियंस है, कौन इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड होगा, या कंपनी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उस प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो जाए. तो ये सब होता है मार्केट सर्विस के थ्रू. मार्केट सर्विस के थ्रू ही टारगेट ऑडियंस पता चलती है, और ये सर्विस कंडक्ट कौन करते हैं, सो मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स कंडक्ट दी सर्विस. अब जब सर्वे भी हो गया, हमें ये पता चल गया कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्रोडक्ट से, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना नहीं चाहते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, तो कंपनी जो है अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताती है कि कैसे हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या क्या इसकी टैगलाइन होगी, क्या इसकी ब्रांड वैल्यू होगी. ये सब ए टू जेड कंपनी डिसाइड करती है, जिसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी. एज द नेम सजेस्ट, मार्केट स्ट्रैटेजी यानी कि मार्केट में जब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो क्या स्ट्रैटेजीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी. तो जब ये मार्केट स्ट्रैटेजी बन जाती है तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन स्टार्ट करते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देती है कंपनी, और उन एडवर्टीजमेंट्स को हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, या फिर किसी वेबसाइट पे देखते हैं. दैट्स हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर मेड. तो पहले जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बना लेती है या कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही होती है तो वो पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, इसका कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होगा, कौन लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे. जब मार्केट सर्विस के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, जब जो रिसर्च प्रोफेशनल्स हैं ये सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि कैसे हम ये प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे, कैसे इसको हम ऐसा क्या करेंगे, हम ऐसी क्या ब्रांड वैल्यू इससे अटैच करेंगे, हम ऐसी क्या टैगलाइन इसके साथ अटैच करेंगे ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदें. जब ये सारी चीजें भी डिसाइड हो जाती है, जब मार्केट स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाती है, तब हम एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर्स या टीवी या कहीं भी और देखना शुरू करते हैं. इनफैक्ट रेडियो पे भी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो तब उसे हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स. तो आई होप एक एडवर्टीजमेंट कैसे बनता है, कितना लंबा प्रोसीजर होता है एक एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा. Now we come to the last segment of our chapter, that is advertising and democracy. Democracy क्या होता है, I guess अब तक तो आपको clear हो गया होगा, because हम chapter 1 से यही समझ रहे हैं equality क्या है, democracy क्या है, constitution क्या है. Just in case if you have any doubts, then you can refer to my previous videos on दीज चैप्टर्स, जो सिविक्स के पहले वाले चैप्टर्स हैं, आप वो सारी वीडियोज यूट्यूब पे ही रेफर कर सकते हैं, सो दैट यू आर क्लियर विद द टर्म व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मीन. बट हियर वील बी टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. सो क्या होता है, आपने ये नोटिस किया होगा जब कोई क्रिकेट मैच होता है, ओवर खत्म हो जाता है तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, राइट. वो सेम एडवर्टीजमेंट्स ऑलमोस्ट हर ओवर खत्म होने के बाद आते हैं, या फिर कोई आप रियलिटी शो देख रहे हो तो रियलिटी शो में भी जब बीच के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तब भी वो सेम एडवर्टीजमेंट्स ही रिपीट होते हैं.
सेम एडवर्टीजमेंट, सेम डायलॉग्स होते हैं, सेम ब्रांड होती है, एक के बाद सेम एडवर्टीजमेंट्स ही हम देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये समझो कि ये जो एडवर्टीजमेंट हम इवन अगर कोई 30 सेकेंड के भी एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, देन दीज एडवर्टीजमेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, दे आर हाईली एक्सपेंसिव। अगर हम 30 सेकेंड का भी एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं ना, तो उस कंपनी को मान के चलो कि कुछ लैक्स में पेमेंट करना पड़ा होगा उस चैनल को कि हमारा एडवर्टीजमेंट अपने चैनल पे दिखाओ। लाखों रुपए लग जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स को टीवी पे दिखाने के लिए। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर में भी कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो अगर इतना सा भी एडवर्टीजमेंट है ना न्यूज़पेपर में, किसी कोने में भी अगर इतना सा एडवर्टीजमेंट है, तो उसके भी थाउजेंड्स ऑफ मनी लगते हैं सिर्फ इतने से एडवर्टीजमेंट को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने के लिए। सो प्रोड्यूसिंग एन एडवर्टीजमेंट एंड शोइंग दैट एडवर्टीजमेंट टू पब्लिक इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अब हमने ये देखा कि जब भी ऐड आते हैं तो सेम काइंड ऑफ ऐड ही रिपीट हो रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, सेम वही हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हमारे फेवरेट स्टार्स होते हैं वो सेम आके सेम डायलॉग्स रिपीट करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि सेम एडवर्टीजमेंट हर ब्रेक में क्यों रिपीट हो रहे हैं, या हर क्रिकेट मैच का ओवर खत्म होने पर ये सेम एडवर्टीजमेंट ही क्यों आ रहे हैं? तो इसका एक रीजन होता है, ऐसे ही सेम एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहे होते हैं, इसका एक रीजन होता है। और ये रीजन ये होता है दैट यू नो ये जो कंपनीज होती हैं जो एडवर्टीजमेंट बनाती है, उनका एम क्या है कि हम ये प्रोडक्ट खरीदें। अभी हम प्रोडक्ट कब खरीदेंगे? जब हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ये इमेज हमारे ब्रेन में कैसे फॉर्म होगी, हाउ विल दिस इमेज बी फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन दैट दिस प्रोडक्ट इज द बेस्ट एंड आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट, व्हेन वी रिपीटेडली सी दैट एडवर्टीजमेंट, व्हेन वी वॉच दैट एडवर्टीजमेंट अगेन एंड अगेन, तो हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपको जो है आपकी जो फेवरेट चॉकलेट का जो एडवर्टीजमेंट है उसके सारे डायलॉग याद हो गए होंगे, या आपको कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होंगे जिसके सारे डायलॉग्स याद हो गए होंगे, यू नो, क्योंकि हम बार बार वही एडवर्टीजमेंट देखते हैं। सो और आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हर चीज़ में, चॉकलेट्स में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे एडवर्टीजमेंट सिर्फ चॉकलेट्स के ही हैं, परफ्यूम्स के इतने सारे अलग अलग कंपनीज हैं जो एडवर्टीजमेंट्स करती है, हर चैनल पे परफ्यूम के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। सो एज देर आर सो मैनी एडवर्टीजमेंट्स इन द मार्केट टूडे, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टीजमेंट्स, देयर एडवर्टीजमेंट्स अगेन एंड अगेन, सो दैट इट स्टिक इन पीपल्स माइंड, रजिस्टर हो जाए कि भाई मुझे तो यही वाला ब्रांड खरीदना है, वी हैव टू बाय दिस ब्रांड ओनली, सो दैट इट रजिस्टर्स इन आवर ब्रेन, दे रिपीटेडली शो दैट एडवर्टीजमेंट एंड वी रिपीटेडली वॉच दैट एडवर्टीजमेंट, जब तक हमें उस एडवर्टीजमेंट के डायलॉग्स तक याद नहीं हो जाते, हम तब तक वो एडवर्टीजमेंट देखते ही रहते हैं। इससे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ओनली दे आर एबल टू एडवर्टाइज, क्योंकि मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट जो है बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का भी कोई एडवर्टीजमेंट टीवी पे देख रहे हो ना, तो उसके लाखों रुपए लगते हैं, विच द कंपनीज पे टू दैट चैनल। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब, एक सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि ओनली लार्ज कंपनीज कैन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। जो कंपनी बहुत बड़ी होगी, बहुत पावरफुल या रिच होगी, यानी जिस कंपनी के पास बहुत सारे पैसे होंगे, सिर्फ वही एडवर्टीजमेंट कर सकती है। जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे कोई पापड़ की कंपनी, अगर आपकी फैमिली में कोई पापड़ बनाते हैं या अचार बनाते हैं या कोई मिठाइयाँ बनाते हैं, हर किसी की फैमिली में ऐसा कोई एक होता है या एक ऐसी फैमिली होती है जो इसका स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बट ये लोग दे डू नॉट हैव सो मच मनी टू एडवर्टाइज इट ऑन टीवी और टू एडवर्टाइज इट इन न्यूज़पेपर्स। हमारे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, दे रन थ्रू देयर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ओनली, या थोड़ी वो सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट इनके कभी न्यूज़पेपर्स में ऐड नहीं आते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच मनी जितना एक पेपर में ऐड देने के लिए या फिर टीवी पे एडवर्टीजमेंट देने के लिए लगता है। सो पर्सन हु सेल यू नो पापड़ और पिकल्स और स्वीट्स, यानी कि जिनका स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, आर नॉट रियली एबल टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, जिसके कारण से उनकी
जो ब्रांड है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं समझा जाता। अब हमारे एक ना मिथ होता है, हमारे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं या जो बहुत अच्छी पैकेजिंग में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वही प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, बाकी के जो प्रोडक्ट्स जो ऐसे लूजली सेल हो रहे हैं या जैसे ये पापड़ हो गए ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे बिकॉज इनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, इनकी कोई पैकेजिंग नहीं है, इनके एडवर्टीजमेंट्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन में फॉर्म होता है। जस्ट इमेजिन एक एग्जाम्पल में, अब आप कौन सी चॉकलेट खरीदोगे जिसका पैकेजिंग अच्छी होगी, जिसका एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे देख रहे हो कि हाउ द प्रोटैगनिस्ट इज यू नो एंजॉयिंग द टेस्ट ऑफ चॉकलेट, फिर आपको मन करता है कि यार मुझे भी ये वाली चॉकलेट खरीदनी है, राइट। बट अगर कोई चॉकलेट जिसकी पैकेजिंग नहीं हो रही या कोई लूजली आपको ये चॉकलेट खाने को दे रहा है तो आप लोगे उससे वो चॉकलेट, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव या हाउ चीप दैट चॉकलेट इज। अगर सस्ती चॉकलेट भी हो रही होगी तो भी आप नहीं खरीदोगे क्योंकि उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, उस पर कोई ब्रांड का नेम नहीं है, वो एक लोकल प्रोडक्ट है, कोई स्मॉल बिजनेस का प्रोडक्ट है, राइट। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके एडवर्टीजमेंट हम टीवी या न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये प्रोडक्ट्स बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बट जितने भी छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी छोटी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं जो ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रही, वो हम सोचते हैं कि यू नो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। तो एक मिसकंसेप्शन हमारे ब्रेन में हो जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं दे आर नॉट एबल टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। अब ये एडवर्टाइज नहीं कर रहे बट इनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ये प्रोडक्ट्स अपने कहाँ सेल करते हैं? या तो जो वीकली मार्केट्स लगते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जानोगे कि वीकली मार्केट्स क्या होते हैं। तो जो हर वीक में जो मार्केट्स लगते हैं, वीकली बेसिस पे जो मार्केट्स लगते हैं, ये या तो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आसपास में कोई शॉप्स होती हैं, यानी कि कोई नेबरहुड शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे जाके ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दैट्स हाउ स्मॉल बिजनेसेस सेल देयर प्रोडक्ट्स इन वीकली मार्केट्स और दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन नेबरहुड शॉप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज, यानी कि जो आप अपने ये पापड़, दो इमेजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक पापड़ की इमेज है और एक आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जिनकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छे से की गई है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अपीलिंग दिख रहे हैं, अलग अलग कलर में दिख रहे हैं। सी, जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनके ब्रांड नेम्स होते हैं, यानी कि इनकी कंपनी का कोई नाम है या प्रोडक्ट का कोई नाम है या कोई सिंबल है कंपनी का, जो पैकेज फूड्स हैं, वी मेक दीज एडवर्टीजमेंट्स मेक अस बिलीव दैट दीज पैकेज प्रोडक्ट्स विच हैज अ ब्रांड नेम आर बेटर देन दोज प्रोडक्ट्स विच डू नॉट कम इन पैकेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक साइड पे सारे हमें पैकेज प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अलग अलग चिप्स के पैकेट्स दिख रहे हैं, बट एक साइड में हमें लूज पड़े हुए पापड़ दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वो वाले प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जो पैकेज्ड है, जिनकी पैकेजिंग बहुत अपीलिंग है, बहुत अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छी इमेजेस दिख रही है, वेयर एज जो दूसरी इमेज है दे आर जस्ट प्लेन एंड लूज पापड़, राइट, वो एक पैकेट के अंदर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सेट है कि हमें तो पैकेज फूड ही लेना है जिसकी पैकेजिंग एकदम अपीलिंग हो, एकदम अच्छी हो, सुंदर हो, अच्छे अच्छे कलर्स में जो पैकेज हो, भले अंदर का प्रोडक्ट बहुत ही खराब हो, बट हमने ये मान रखा है कि जिसका पैकेज है और एक ब्रांड नेम है उसका क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। अब इससे क्या होता है, द शिफ्ट टू पैकेज प्रोडक्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट्स द सेल्स ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। हम क्या करते हैं, हम जो पैकेज फूड होता है उसको खरीदना प्रेफर करते हैं, नो मैटर उसकी कैसी क्वालिटी है, बट हमने मान लिया अगर पैकेज फूड है तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तब इससे क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो ये छोटे छोटे पापड़ बेचते हैं या अचार बेचते हैं, तो आप एक बात बताओ, आप निलॉन्स का अचार लेना प्रेफर करोगे या फिर आप कोई ऐसे लूजली अगर कोई कहीं कोने में सड़क के एक साइड पे कोई अचार बेच रहा हो उसका अचार लेना प्रेफर करोगे? 90% ऑफ द टाइम आप निलॉन्स का ही प्रेफर करोगे बिकॉज निलॉन्स की एक ब्रांड नेम है, एक ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है कि निलॉन्स के जो पिकल्स होते हैं दे आर द बेस्ट।
भले ही जो रोड साइड पिकल मिल रहा है, रोड साइड अचार का जो डिब्बा मिल रहा है, नो मैटर वो कितना अच्छा हो, बट हम कहाँ जाएंगे, हम निलॉन्स का अचार लेने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं ये सेट है दैट पैकेज फूड्स आर द वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल बिजनेस है, जिनकी जो पैकेज फूड नहीं दे रहे, जो नॉन पैकेज फूड में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सपेंसिव या अपीलिंग सी हमें पैकेजिंग नहीं दे रहे, तो उनके प्रोडक्ट्स लोग कम खरीदते हैं। अब उनके प्रोडक्ट्स लोग कम खरीदते हैं तो उन जितना वो बना रहे हैं उतने उनके पास पैसे नहीं है। सो उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं उस पर यू नो दैट इज डेंजर्ड, बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, सो दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, उनके पैसे नहीं आ पा रहे हैं। सो दिस शिफ्ट टू दिस पैकेज प्रोडक्ट्स दैट आर डिजायर टू बाय पैकेज प्रोडक्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज दैट बेसिकली अफेक्ट्स देयर लाइवलीहुड, बिकॉज वी डू नॉट टेंड टू बाय द प्रोडक्ट्स मेड बाय स्मॉल बिजनेसेस, बिकॉज दे डू नॉट सेल पैकेज फूड। तो पैकेज फूड नहीं सेल करते तो कहीं ना कहीं हमारे ये मन में होता है दैट ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, तो हम ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। एंड जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं इट अफेक्ट देयर लाइफ, बिकॉज अगर उनके कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल एंड दे एंड अप बींग पुअर। तो ये था एडवर्टीजिंग एंड डेमोक्रेसी। एक अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स है इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो एक तो हमने समझ लिया कि हम जो है जो पैकेज फूड्स होते हैं जिनकी बहुत कलरफुल होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव जिनके पैकेजेस होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं खरीदना, बट जो नॉन पैकेज फूड्स होते हैं वी डू नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज वी फील दैट दे आर नॉट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो समवेयर दैट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु ट्राई टू सेल दीज प्रोडक्ट्स विच आर नॉन पैकेज। तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा क्या होता है, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं दे हैव लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पुअर। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं दे यूजुअली शो द लाइफ ऑफ रिच पीपल, जो अमीर लोग होते हैं कि कैसी उनकी रॉयल लाइफ स्टाइल होते हैं, रॉयल्टी में कैसे रहते हैं, क्या उनके शौक होते हैं। यूजुअली हम एडवर्टीजमेंट्स में यही सब देखते हैं, बट कितने ही ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं विच शोज द लाइफ ऑफ पुअर पीपल, हाउ वॉट एग्जैक्टली दे लिव, हाउ एग्जैक्टली पुअर पीपल लिव। सो इट समवेयर एडवर्टीजमेंट्स शो वेरी लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पुअर, जो प्रॉपर रिस्पेक्ट गरीब लोगों के लिए होती है वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं शो करते हैं। सो एडवर्टीजमेंट्स टेंड टू प्रमोट लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पुअर, दे आर नॉट द फेसेस वी सी इन एडवर्टीजमेंट। किसी भी एडवर्टीजमेंट में आप कोई गरीब इंसान नहीं देखोगे, या तो आप किसी सेलिब्रिटी को देखोगे जो बहुत अमीर होते हैं, किसी क्रिकेटर को देखोगे जो बहुत अमीर होते हैं, या कोई यू नो ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हमें देखने को मिलती हैं विच आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, दे आर एंट पुअर। तो वी डू नॉट सी पुअर पीपल इन एडवर्टीजमेंट्स, वी डू नॉट गेट एनी आइडिया अबाउट पुअर पीपल की उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, हमें किसी भी एडवर्टीजमेंट में ये देखने को नहीं मिलता। सो वी टेंड टू डिसमिस द लाइफ ऑफ पुअर्स एज वर्थलेस, यानी कि जब हम उनकी लाइफ के बारे में कहीं पे दिखाई नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिच लोगों की लाइफ पे ही फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ बहुत खराब है, दे आर वर्थलेस, इनकी कोई वर्थ नहीं होती है। जो वर्थ है रिच लोगों की, अमीर लोगों की लाइफ है, उन्हीं के यू नो वैसी ही लाइफ हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं वी शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पुअर, वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइफ एज वर्थलेस। अब क्या होता है एडवर्टीजमेंट में, जैसा मैंने बताया था एडवर्टीजमेंट्स में कभी कभी ब्रांड्स जो है अपनी पर्सनल इमोशन डाल देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आप अपने बेबी के लिए यूज करोगे, ये डायपर्स या ये यू नो मिल्क प्रोडक्ट्स आप अपने बेबी के लिए यूज करोगे देन यू विल गिव द बेस्ट केयर टू द योर बेबी। बट ये प्रोडक्ट्स मान लो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं,
नाउ देयर अ मदर हु कैन नॉट अफोर्ड दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, वो इतने पैसे उस प्रोडक्ट्स पे खर्च नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं शी माइट फील दैट ओ गॉड आई एम नॉट इवन एबल टू प्रोवाइड गुड केयर टू माई चाइल्ड, गुड केयर टू माई बेबी. सो क्या होता है कभी कभी जब हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी होती है, तो कभी कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है कि यार हम ये खरीद नहीं पा रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है बट वी डू नॉट हैव द मनी टू इवन बाय दैट प्रोडक्ट. सो एडवर्टीजमेंट्स अपील टू आर पर्सनल इमोशन, कुछ पर्सनल इमोशन उस प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है एंड इट मेक्स पीपल फील बैड व्हेन दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट प्रोडक्ट. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं पाते तो हमें बहुत गिल्टी फील होता है, हमें बहुत खराब फील होता है क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल इमोशन ऐसा डाला हुआ है कि उसके कारण हमें लगता है यार ये मैं कर नहीं पा रहा अपनी फैमिली के लिए या ये मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही अपने लिए, तो कहीं ना कहीं हमें बुरा फील होता है. तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है एडवर्टीजमेंट्स का. कमिंग टू द फोर्थ नेगेटिव एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है कि भाई एडवर्टीजमेंट जो है रिच लोगों की लाइफ पे ही फोकस करते हैं एंड दे टेंड टू डिसमिस द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल. तो क्या होता है एडवर्टीजमेंट्स फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ रिच पीपल एंड फेमस पीपल एंड दे डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द रियल इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जब हमारे को हमारी फेवरेट सेलिब्रिटीज कोई एडवर्टीजमेंट में दिख रहे हैं, जब हम रिच लोगों की लाइफ देख रहे हैं कि वाह 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 क्या लाइफ है, कितने अच्छे से क्या कम्फर्ट्स हैं इनकी लाइफ के, जब हम ऐसी कोई चीज़ें टीवी पे या न्यूज़पेपर में देखते हैं तो जो हमारी कंट्री के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे देश के मुद्दे हैं, जैसे गरीबी हो गई या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या विमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ एक परफेक्ट लाइफ दिख रही है, एक यू नो लग्जूरियस लाइफ दिख रही है, कंफर्टेबल लाइफ दिख रही है एंड वी डू नॉट टेंड टू फोकस ऑन द रियल इश्यूज ऑफ द कंट्री दैट इज पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और एनी वन और डिग्निटी. तो और ये जो इश्यूज हैं ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि गरीबी क्यों नहीं हट रही, क्यों आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीजों के बारे में जो एडवर्टीजमेंट जो है बात ही नहीं करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या यू नो क्या देश के एक्चुअल मुद्दे हैं. सो एडवर्टीजमेंट फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ रिच एंड फेमस पीपल एंड दे डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम रियल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन विच आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. अगर हमें इक्वालिटी को प्रिवेल करना है, अगर आपको नहीं पता इक्वालिटी क्या है या हाउ वी कैन प्रिवेल इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी क्या है, देन प्लीज रेफर टू माई फर्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर वन, जो सिविक्स के चैप्टर वन पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको अनअकैडमी के इस चैनल पे इजीली मिल जाएगा. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं किस बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी डाउट होएगा तो कोई सेंस नहीं है. एंड द थिंग इज आई कैन नॉट री एक्सप्लेन सो मच इन दिस वीडियो, सो आप यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो. एंड कमिंग बैक टू माई पॉइंट दैट ये जो इश्यूज हैं पॉवर्टी के, डिस्क्रिमिनेशन के या कोई भी ऐसे और इशू जो एडवर्टीजमेंट्स में हमें नहीं दिखते बट दीज आर द वेरी सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को मेंटेन करना है. तो एडवर्टीजमेंट्स ये सब नहीं करते. तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर नेगेटिवली अफेक्टिंग द डेमोक्रेसी या एडवर्टीजमेंट्स के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो जो स्क्रीन पर आपको चार पॉइंट्स दिख रहे हैं या आप बिंदास लिख के आ सकते हो, आराम से लिख के आ सकते हो. एंड नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये सोशल एडवर्टाइजिंग का जो टॉपिक है ये हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया था और इस चैप्टर में भी ये पार्ट आता है बहुत छोटा सा. सो सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट सोशल एडवर्टीजमेंट, ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट जो हमें कोई सोशल मैसेज दे या पूरी सोसाइटी के लिए कोई मैसेज हो जिससे पूरी सोसाइटी का भला हो, उन मैसेजेस या उन एडवर्टीजमेंट्स को हम कहते हैं सोशल एडवर्टीजमेंट. अब कौन लोग बनाते हैं ये सोशल एडवर्टीजमेंट, तो गवर्नमेंट बना सकती है, किस कोई स्टेट बना सकता है, कोई कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो लोग बना सकते हैं, कोई प्राइवेट एजेंसी है
वो लोग भी सोशल एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है, ये रेलवे का एक सोशल एडवर्टीजमेंट है। कभी कभी क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पे बैरियर्स होते हैं, तो जब भी कोई ट्रेन आ रही होती है वो बैरियर्स लग जाते हैं, और जब तक दोनों साइड पे ट्रैफिक जो है, जो लोग जो है रुके रहते हैं, जब तक ट्रेन नहीं जाती। तो रेलवे ने एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया कि जब भी आप ऐसे कोई रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हो, जब भी आप किसी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हो, तो आपको दोनों साइड पे देखना चाहिए कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। जब आप किसी ऐसे रेलवे ट्रैक के पास में होते हो तो आपको अपनी स्पीड जो है व्हीकल की बहुत कम कर लेनी चाहिए। प्लस आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि कोई ट्रेन हॉर्न तो नहीं बजा रही है, बिकॉज अगर कोई ट्रेन आ रही हो और अगर बैरियर बाय चांस नहीं लगे हुए हो, या कुछ ऐसी भी रेलवे क्रॉसिंग्स होती है जहाँ पे बैरियर ही नहीं है बट ट्रेन जो है वो आ रही होती है, तो आपको बहुत केयरफुली उन रेलवे क्रॉसिंग्स को, उन रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करना होता है अपने व्हीकल्स में, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इसमें सोशल मैसेज ये है कि लोगों को, यू नो, अगर लोग एकदम केयरफुली क्रॉस करेंगे तो उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दे विल बी सेफ एंड दे विल बी फिट, राइट। तो ये एक सोशल मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए है कि जब भी आप कभी रेलवे क्रॉसिंग्स को क्रॉस करो, कभी आप किसी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करो, तो आपको, यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड टेक ऑल द प्रिकॉशन सो दैट योर लाइफ इज सेफ। तो ये एक सोशल मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए था, इसको हम, इसलिए हम इसे कहते हैं सोशल एडवर्टीजमेंट। सो आई होप एडवर्टीजमेंट्स के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया हो, एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं, ब्रांड वैल्यूज क्या होते हैं, कैसे कंपनीज एक पर्सनल इमोशन प्रोडक्ट के साथ डाल देती है ताकि हम उसे उस प्रोडक्ट को यूज करें, उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, क्या सोशल वैल्यूज कंपनीज डालती हैं, कैसे एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं, और एडवर्टीजमेंट्स का डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल होना चाहिए, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो एडवर्टीजमेंट्स को करने चाहिए बट वो करते नहीं हैं, और लास्टली हमने पढ़ा कि सोशल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। सो आई होप ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, टिप्स पे होगा, और आपको इस चैप्टर से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से उनको पास करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, एंड आई होप जो भी मैंने समझाया एकदम अच्छे से आपको क्लियर होगा। बाय चांस आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप मेरी अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्पेशल अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपको सोशल साइंस की ही स्पेशल क्लास चाहिए तो आप मेरी क्लासेस भी वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये क्लासेस भी एकदम फ्री है, और मेजर बेनिफिट है कि आप वहाँ पे, अगर आपका कोई चैप्टर में डाउट भी है तो वहाँ आप मुझसे वो सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, उसी टाइम पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस चैप्टर से डाउट है बट ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप मुझसे ये डाउट्स नहीं पूछ सकते, राइट। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है जो चैप्टर के बीच में आपको आ रहा है तो आप स्पेशल क्लासेस में मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। That basically means you can interact with the educator in special classes which are absolutely free. ये classes बिल्कुल free होती हैं, आपको सिर्फ Unacademy का app download करना है। अब इन special classes के और क्या features होते हैं, आप मुझसे अपने सारे doubts पूछ सकते हैं, मैं आपसे questions पूछ सकती हूँ, वहाँ पे हम quiz खेल सकते हैं, तो बहुत मज़े आते हैं, बहुत fun होता है, जहाँ पे आप बच्चों से, जहाँ पे आप क्विज में पार्ट ले सकते हो, सारे क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगी उसके आप आंसर दे सकते हो, एंड उससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितना आपको चैप्टर समझ आए, कितने आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लस आपके अगर कोई क्लासमेट्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी स्पेशल क्लासेस के बारे में बताओ, मिल के इकट्ठा इन क्लासेस को अटेंड करो, उनका भी भला करो, खुद का भी भला करो। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो जो भी लोग वो क्लास अटेंड करेंगे उनसे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो उनने कितने सही आंसर दिए, आपने कितना सही आंसर दिए, ये सब आपको पता चल सकता है। तो यू कैन बेसिकली कम्पीट विद योर फ्रेंड, एक आपस में कॉम्पिटिशन कर सकते हो कि किसने सबसे ज्यादा मैम के आंसर सही दिए। तो ये सारी चीजें होती हैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में, जो बिल्कुल फ्री होती हैं। अगर आपको ऐसी क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको जो है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लर्नर्स ऐप, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस ले सकते हैं।
जहाँ पे जो है और बेटर वे में पढ़ाया जाता है और आप एजुकेटर से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस या डाउट्स भी पूछ सकते हैं, प्लस एजुकेटर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप वो भी आंसर कर सकते हैं। सो आई होप मैं अब आपको सीधा स्पेशल क्लासेस में ही देखूंगी, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग वहाँ पे भी मुझसे बात करने के लिए, वहाँ पे चैप्टर समझने के लिए ज़रूर आएंगे। नाउ मूविंग अहेड टू अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन जो फ्री नहीं है, आपको थोड़े से मनी देने पड़ेंगे अनलिमिटेड बेनिफिट्स लेने के लिए। ये बेनिफिट्स क्या है? सो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, आप लाइव अपने घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। सपोज मैं जयपुर से पढ़ा रही हूँ, आप जम्मू में बैठ के पढ़ रहे हैं या मुंबई में बैठ के पढ़ रहे हैं, सो यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, तो एक बार अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आपको जितने सारे कोर्स पढ़ने हो, आपको मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश सब एक साथ पढ़ना हो तो आप ये सारे कोर्स एक साथ पढ़ सकते हो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, प्लस जो सिलेबस है पूरे कोर्स का बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था, एक मेंटर आपको मिलता है जो आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी प्रोग्रेस और कर सकते हो, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। प्लस अन अकेडमी पूरा स्टडी मटेरियल आपको देगी बना के, ताकि आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे टेंशन में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बाप रे इसका आंसर मैं क्या लिखूंगी, अगर एग्जाम में ये आ गया, ये चैप्टर आ गया तो कहाँ से मुझे पढ़ना है। इसे बिल्कुल भी टेंशन फ्री आप रह सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी पूरा स्टडी मटेरियल उस कोर्स का आपको प्रोवाइड करेगी। फिर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली मॉक टेस्ट होते हैं, MCQs होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एक बार ले लेते हो तो आपको विद इन अ वीक अपने रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, एंड दैट्स अ गारंटी। क्योंकि अनअकैडमी में हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएं, और अगर आपको अपने रिजल्ट्स इंप्रूव करवाने हैं फ्यूचर के लिए, अपना जो बेस है एकदम स्ट्रांग करना है, पक्का करना है किसी भी कोर्स में, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन अलग अलग पैकेजेस को आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो 6 मंथ का पैकेज है, 12 मंथ का पैकेज है, 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, आप जो भी पैकेज लेना चाहो ले सकते हो। और अगर इन पैकेजेस के रेट्स पर आपको 10% डिस्काउंट और चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा कोड दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और कोड की जगह पे आपको मेरा एक कोड डालना है ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके, सो दैट यू कैन गेट 10% ऑफ। एंड 10% ऑफ होने के बाद क्या प्राइस मिलेंगे, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं कि प्राइस क्या है। 6 मंथ्स के प्राइस 10% ऑफ होने के बाद क्या हो जाते हैं, 12 मंथ्स के प्राइस, 12 मंथ्स वाले पैकेज के प्राइस क्या हो गए हैं 10% ऑफ होने के। तो ये वाला जो मोबाइल का पिक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज बेसिकली 10% ऑफ होने के बाद आपका क्या प्राइस होगा। और ये 10% आपको कैसे मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज करोगे, दैट इज PJAIN10। ये हुई बात प्लस सब्सक्रिप्शन की, अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि ये अभी तो आपने कोई प्लस सब्सक्रिप्शन बताया मैम, अब आप अलग ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बता रहे हो, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब ट्रेन में स्लीपर कोच भी होगा, जनरल कोच भी होगा, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी के भी कोचेज होंगे, राइट? बट पूरी ट्रेन आपको पहुंचाएगी तो एक ही जगह, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप जनरल डिब्बे से सफर करो या फर्स्ट एसी में बैठ के ट्रैवल करो, तो फर्क पड़ता है। बात आती है हमारे कंफर्ट की, कितने बेनिफिट्स हमें और मिलते हैं। तो जनरल में हमें बहुत, जनरल कोच में हमें बहुत कम बेनिफिट्स मिलेंगे, बट जो फर्स्ट एसी है वहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ की जो सीट्स होंगी वो भी बहुत कंफर्टेबल होंगी, बहुत आरामदायक होगी। तो वैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो थोड़े से बेनिफिट्स आपको और मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स क्या है, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा, यानी कि आपके लिए एक अलग मेंटोर प्रोवाइड करेंगे सिर्फ आपके लिए,
कौन प्रोवाइड करेगा? अनअकैडमी कब करेगा? जब आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब ये मेंटोर क्या करेगा, ये पर्सनली आपको गाइड करेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में जो है मेंटोर सब बच्चों को एक साथ गाइड करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको पर्सनली वन टू वन एकदम फ्रेंड के जैसे आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, या क्या रीजंस हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस और अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे आप लाइव अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में रेगुलर बेसिस पे डाउट सॉल्व हो रहे थे, यानी कि मान लो वीक में कोई एक दिन आपके डाउट्स क्लियर हो गए, या वीक में दो दिन ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशंस रख लिया एजुकेटर ने। बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एकदम लाइव अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, हाथ के हाथ जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वैसे वैसे अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स भी देगा ताकि आपको थ्रू आउट द वीक वट एवर योर परफॉर्मेंस वॉज यू कैन बेसिकली एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड यू कैन इम्प्रूव इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो एक पूरी रिपोर्ट बना के अनअकैडमी देगा। प्लस यहाँ पे जो है पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट भी होता है। तो पेरेंट एजुकेटर कनेक्ट में क्या होगा, पेरेंट्स के जो डाउट है अपने बच्चों को लेके वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, यहाँ दोनों के ही बेनिफिट्स हैं। प्लस अनअकैडमी एक स्टडी प्लानर भी देगा ताकि आप अपने स्टडी को मंथली बेसिस पे ट्रैक कर सके, रिव्यू कर सके। आपको मंथली बेसिस पे रिव्यूज भी मिलेंगे आपके, कितना आपने कोर्स कवर कर लिया, आपकी स्पीड कोर्स कवर करने की सही है या नहीं है, या किस चैप्टर पे आपको कैसे अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। इसके अलावा जितने सारे बेनिफिट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के थे वो सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलेंगे। प्लस ये 5 बेनिफिट्स जो अभी मैंने बताए वो 5 बेनिफिट्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है और इतने सारे बेनिफिट्स जो हैं अवेल करने हैं तो आप अनअकैडमी के ऐप पर जाके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपको इन पैकेजेस पे 10% डिस्काउंट चाहिए, यानी कि जो रेट्स हैं उनको और 10% डिस्काउंट और चाहिए उन रेट्स पे, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10, बिकॉज व्हेन यू यूज माय कोड यू स्ट्रेट अवे गेट 10% ऑफ। तो आई होप आप ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मिस ही नहीं करेंगे। अनअकैडमी आपके रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना है आप, वरना मेरी अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती है वहां पे आके भी पढ़ सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस लगती है अनअकैडमी के ऐप पर, तो आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। बिफोर गोइंग टू एनी अदर वीडियो और कंटिन्यूइंग विद योर डेली वर्क, प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट टू यू। शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर क्लासमेट्स, बैचमेट्स और एनी ऑफ योर कजन हु इज ऑल्सो इन द 7th ग्रेड, सो दैट इवन दे कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड दे कैन लर्न इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। And because sharing is caring, so show your cousins, show your friends, show your batchmates that you care for them. So please share this video and subscribe to the Unacademy channel. Hit the bell icon so you do not miss out on any latest updates from the Unacademy channel. Together you and we can crack any exam. Hamari mehnat, aapke exams, aapke marks, hum improve karenge. So together we can crack any exam. So let's crack it with Unacademy. Thank you so much for watching this video and staying tuned till the end. Thank you so much.